जी नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल में हार्दिक स्वागत है। बड़ी खबर है जहां एक बदलाव ने बदल दी सार की हवा। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। बदलाव चुनाव का बिगुल बजने से पहले ही एक बदलाव ने सार की सियासी हवा बदल दी है। बीते रविवार जाटलैंड में भाजपा के कद्दावर नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह के बेटे और हिसार से सांसद बीरेंद्र सिंह भाजपा को अलविदा कह कांग्रेस का हाथ के संरक्षण में चले गए हैं। पूरी संभावना है कि इसी महीने वीरेंद्र सिंह भी कमल का साथ छोड़ देंगे। एकदम से आई इस बदलाव से न केवल भाजपा के समीकरण बिगड़े हैं बल्कि कांग्रेस से टिकट की आस लगाए नेताओं के अरमानों पर भी पानी फिरता नजर आ रहा है। विरासत की सियासत संभालने वाले का गढ़ गाए जाने वाले इशार यूं तो हमेशा ही होट छीट रहा है, लेकिन इस बार धुर विरोधियों की सियासी गलबहियों ने मुकाबले को और अधिक रोचक बना दिया है। 2019 में पहली बार IAS अधिकारी रहे बीरेंद्र सिंह ने कमल खिलाया था, तब मोदी की लहर थी और राजनीति में प्रतापण करने वाले किसान नेता सर छोटू राम और चौधरी बीरेंद्र सिंह के राजनीतिक वारिस बीरेंद्र में लोगों को भरोसा था। बीरेंद्र तब करीब 3.5 लाख वोटों के अंतर से जीते थे। अब वे कांग्रेस में है। हालांकि कांग्रेस ने टिकट की घोषणा नहीं की है, लेकिन वे टिकट के मजबूत दावेदार हैं। पिछले चुनाव में दूसरे नंबर पर रहे चौधरी देवीलाल परिवार के चौथी पीढ़ी के दुष्यंत चौटाला बतौर डिप्टी CM हरियाणा में भाजपा के साथ संयुक्त सरकार चला रहे हैं। वहीं कांग्रेस की टिकट पर लड़कर तीसरे स्थान पर रहने वाले पूर्व मुख्यमंत्री भजन लाल के पुत्र भव्य बिश्नोई अभी हिसार सीट के अधीन आते आदमपुर हल्का से भाजपा के विधायक हैं। देवीलाल और भजनलाल परिवार में इस सीट के लिए वर्षों से रसाकसी चलती आ रही है। कभी भजनलाल का परिवार जीतता है तो कभी देवीलाल के कुनबे को आशीर्वाद मिलता है। ये दोनों भलाई सरकार में साथ हुए हो लेकिन टिकट की दौड़ में भी है। इसी तरह विरासत की राजनीति में है पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु भी टिकट के लिए जोर आजमा रहे हैं। संघ में अच्छी पकड़ने के कारण उनकी दावेदारी भी मजबूत है। अभी तक समीकरणों के अनुसार इस सीट पर जनता का आशीर्वाद लेने से पहले टिकट हासिल करने की जंग चली आ रही है। तीनों ही पीढ़ियों ने अभी पत्ते नहीं खोले हैं और न ही प्रचार शुरू किया है। प्रत्याशी के नाम पर दावे चल रहे हैं, चर्चाओं में कयासों का बाजार भी गर्म है, लेकिन तय करना है कि इस बार के चुनाव में इस सीट पर पिछले 2 चुनाव से ज्यादा रोचक मुकाबला रहने वाला है। यहाँ चौधरी बीरेंद्र सिंह कांग्रेस की टिकट पर ओम प्रकाश चौटाला को हरा चुके हैं, तो बीरेंद्र सिंह ओम प्रकाश चौटाला के पोते दुष्यंत चौटाला को हरा चुके हैं। वहीं दुष्यंत चौटाला बिश्नोई को हरा चुके हैं और कुलदीप बिश्नोई दुष्यंत के पिता अजय चौटाला को हरा चुके हैं। तीनों ही राजनीतिक परिवारों के यहाँ आधार वोटर हैं। बने रहे चैनल के साथ मिलते अगली वीडियो में। धन्यवाद।